गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोगों के चैनल बहुत अच्छी है। आप सोच रहे हो कि इतना अंधेरा क्यों है। गाइस, आपको कॉन्ग्रेट कर रही हूँ कि आज बारिश आने वाली है। तो फाइनली सबका इंतजार खत्म हो चुका है, दिल्ली वासियों का। तो यही कहने वाली थी कि मेरी बहन हमेशा कहती है कि बारिश आ जाए। अब आ ही रही है, आने वाली है। दिखाती बारिश आने वाली है, कपड़े भी धो लिए मम्मा ने। अब पता नहीं बारिश आ गई तो सारे हटाने पड़ेंगे। बस बारिश का यही दुख होता है कि कपड़ों का ना कुछ समझ नहीं आता, कब बारिश आ जाए कब नहीं आए। तो बड़ी वो हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यही आपको दिखाना था, और साथ में ये बता रही थी कि मेरी बहन का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और सब लोगों का इंतज़ार भी ख़त्म होने वाला है, बारिश आने वाली है। मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, उनको बताती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या खास खा रही हूँ। की सब्ज़ी, परौंठे और चाय, आप भी जन कीजिए। खाने को लीजिए, कई मजे का बने ब्लॉग में बहुत कुछ है खास आ गई। क्या क्या खास है आपको बताऊंगी, तो बने ब्लॉग। फाइनली बारिश आ गई है, लेकिन कपड़ों का तो पूछो ही मत। कैसे मेरी बहन मम्मी बता रही है, मैं भी बताना चाह रही थी कि मैं तो अभी ब्रेकफास्ट कर रही थी ना। मेरी बारिश आ गई है तो बस पूछो ही मत, अब तो कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। लेकिन खुशी भी है तो आप भी इंजॉय करो इस खुशी के साथ। पकौड़े चपौड़े खा के और मिठाई खा के हम यही करते हैं। इस मौसम ने अपनी बारिश दिखा ही दी। आखिरकार सब लोगों का, दिल्ली वासियों का इंतजार ख़त्म हो गया है, और साथ साथ हमारे कपड़े भी उतर चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि सब लोग अब बारिश को एंजॉय करेंगे। ये मैं किचन में आ चुकी हूँ, और आज अब मैं लंच बनाने जा रही हूँ। तो क्या खास है लंच में वो भी आपको दिखाऊँगी। तो बढ़िया बन रही हैं, देखिए भूल भी रही है। ये बनाने का रुझे लंच में कहीं भी जाएगा बनाने में। इस लंच में रेडी आपको दिखाती हूँ क्या बनाया। खास भिंडी की सब्जी, परौंठे और साथ में कर लिया मैंने। आप जन कीजिए, खाने को मिलते कहीं भी जाएगा बनाया ब्लॉग में। आ चुकी है। इससे बारिश के बारे में पूछते हैं कि अच्छा कैसा लगा बारिश आने के बाद। बेकार लगा, कोई बारिश किसी काम की नहीं। तुम्हारे यहाँ धूप है, मौसम धूप है नहीं है, बट फिर भी बारिश किसी काम की नहीं है। इतनी अच्छी होती है बारिश, कुछ नहीं काम की, सारे कपड़े धुलवा दिए और बारिश भी नहीं आई। पकौड़े चपौड़े खाने का मन कर रहा है, दिमाग खराब हुआ है। पकौड़े चपौड़े, पूड़ियाँ, भटूरे, तो गर्मी लग रही है फिलहाल बहुत ज्यादा। खाने चाहिए ना, कितने पतले हो गए हो। मैं भी बदली हो जा रही हूँ, खाने चाहिए। कहती है बारिश में ना कुछ भी अच्छा खाओ ना तो बड़े अच्छे नहीं। अभी गाइस नहीं, आपने और भी पूछना है कुछ। मैंने पूछना था गाइस कि ना हमने डोगी पालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ना समझ नहीं आ रहा कि पानी या ना पानी। कमेंट में मुझे भी बताना कि हम डोगी पालें या ना पालें। तो मेरी बहन से भी इसकी राय लेती है, आपका क्या राय है? नहीं पालना चाहिए। क्यों? शिट करते जगह जगह, और उसकी फिर कौन साफ करेगा। मुझे डोगी बहुत पसंद है, छोटे छोटे वाले काट जाते हैं, अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, प्यार करेंगे वो तेरे को। जब तू पालेगी ना वो तेरे को बहुत बुलाएंगे, दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ। मुझे नहीं पालना। तेरी कितनी केयर करेंगे, तेरे साथ चलेंगे, तेरे बॉडी गार्ड बन के। गाइस को ना हमेशा पसंद ही नहीं आते हैं। मुझे अपनी बॉडी की गार्ड करवानी है। गाइस को मुझे चेहरा नहीं दिख रहा, राय पूछ रही हूँ मैं गाइस के बारे में। मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना। क्यों? चलो चेहरा पाल लेते हैं। रबी हमें बात तो करते नहीं करना। टाइगर नो अपनी सही रहेगी, अपनी बहुत फायदेमंद होता है। तो गाइस और बताते हैं, लेकिन बताना आपको कि मेरी राय अच्छी लगी इसकी लगी कपड़ों की पाली या ना पाली। हम कहीं जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं वो आपके लिए सरप्राइज है। तो उसके लिए बनी हुई ब्लॉग में, और ये बहुत कुछ गाइस जो मेले आए थे उन्हें पसंद ही नहीं आया मम्मा और मेरी बहन को। तो देखते हैं अब जब भी वो लेंगे तो, या अभी शायद पसंद आ जाए तो जरूर क्लिप में दिखाऊंगी। तो हम बाहर आए थे, वो ये लेने आए थे सामान, लेने आए थे यानी कपड़े, इनको पसंद ही नहीं आए। तो जब भी लेंगे तो आपसे जरूर शेयर करूंगी। तो बनेंगे ब्लॉग में। हम मार्केट से आ चुके हैं। आज मार्केट में मेरी बहन और मेरी मम्मी को पसंद नहीं आया था, लेकिन उस मम्मी को एक चीज़ पसंद आई थी तो हमने ले लिया। वो आपको मैं क्लिप में जरूर शेयर करूँगी, और आपको बताऊँगी दिखाऊँगी भी। तो वो मैं बाद में दिखाऊँगी, क्योंकि ना वो भी नई चीज़ होती है तो हम हमेशा धो के ही पहनते हैं, तो इसलिए वो धो दी थी। क्योंकि कल ट्यूसडे ना मम्मी का मन करता है कि मैं पहनूंगी, तो आपको जरूर दिखाऊंगी क्लिप में। तो बने रहिए ब्लॉग में, आगे जो भी कुछ खास होगा तो आप उसके लिए बने रहिए ब्लॉग में।
शाम का समय हो गया है और मैंने आरती कर ली है, आप देख सकते हैं। अब मैं डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ, कर ही चुकी हूँ, तो आपको भी दिखाती हूँ। मैं आ चुकी हूँ, मैं क्या बना रही हूँ दिखाती हूँ। प्याज हो रहे हैं जीरे के साथ, तो मैं दिखाती हूँ। मछली दाल बना रही हूँ, ये करने के बाद काम अच्छे मिलते हैं, कहीं मुझे बना रही हूँ। मेरा फेवरेट टेडी बियर वाला बिस्कुट है, तो वो मैंने कहा आपको शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब यम कीजिए, अगर आपको भी पसंद होगा आप भी फ्रेंड कोई देखा मेरे घर चलती है कि आप यम कीजिए, कहीं मुझे बनी बनाऊंगी। तब तक के लिए आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखिएगा, और यार गाइस मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे ब्लॉग्स को भी देखिए, शॉर्ट्स को भी देखिए, इंस्टा वीडियोज़ को देखिए, इंस्टा वीडियो हमें दीदी कॉल दीदी प्रोग्राम पर सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए। आप कुछ कुछ मुझे कमेंट भी पूछ सकते हैं। और मेरे ब्लॉग को आजकल आप बिल्कुल नहीं देख रहे, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। बाबा जी का ब्लेसिंग्स और कस्मोडियो पर आगे देखने के लिए प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। गुड नाइट।